Assalamualaikum sir, I am Babar Shah advocate और दूसरा मैं सदाबहार सोसाइटी का सीनियर नायब सदर भी हूँ। मैं मस्जिद मेहमानों को वेलकम करता हूँ जी। बाकी बातें मेरे कोलीग्स ने सब ने कर ली, उनकी रेपुटेशन की ज़रूरत नहीं है। एक बात जो मेरे जहन में आ रही है कि वो गैसेस का अखराज, गैसेस के अखराज में जो आप लोगों ने सर्वे किया है उसमें ये नहीं बताया कि इस गुबार कचरा कुंडी बनाने से कितना एरिया तफन ज़्यादा होगा, कितने लोगों को सांस लेने की तकलीफ़ होगी और कितना एरिया इर्द गिर्द आबादी के बारे में, क्योंकि बिल्कुल लोकल आबादी है, वो किस कदर मुतासर होगी, उस बारे में कोई नहीं बताया गया। और फिर अगर गैसेस लीक होती है तो मैं एक चीज़ जनाब के इल्म में लाना चाहता हूँ कि हवाओं का रुख वो नीचे से ऊपर की तरफ है। अगर गैसेस लीक होती है तो उससे डायरेक्टली जो मुतासर होगी वो दमतोड़ की आबादी होगी, और हम अपने बच्चों का मुस्तकबल किसी तौर पे भी किसी को भी दाव पे लगाने नहीं देंगे। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि ये जरूर करें, ये प्रोजेक्ट जो है, लेकिन कोई ऐसी जगह मुनासिब मुंतखब करें जहाँ पे पब्लिक को कोई मसाइल ना हो, तो हम आपको मोस्ट वेलकम कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जहाँ हमारे हम खुद रहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे घरों में मक्खियाँ और मच्छर और बदबू हो, और हम जो है ना सांस लेने की बीमारियाँ हमारे लोगों को, हमारे लोग मुतासर हो। हम ऐसी किसी स्कीम के रास्ते में वो रिक्वेस्ट भी करेंगे, वक्त अगर जरूरत महसूस की गई तो हम किसी भी हद तक जाएंगे, कोर्ट का सहारा भी लेंगे, हम हर साइड पे जाएंगे। लेकिन ये हम अपनी खुदकशी पे जो है ना वो आपको इजाजत नहीं देंगे कि आप हमें खुदकशी का मौका दें। माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी।